मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको घर से निकलना होगा। अगर आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी पानी है हरियाणा गवर्नमेंट में, तो आप आज आपको घर से निकलना ही होगा दोस्तों। 4 दिसंबर, इस तारीख को भूल मत जाइएगा, 4 दिसंबर यानी कल आपको पंचकुला बच्चों के साथ में वहां पर धरने के लिए जरूर पहुंचना है। प्रोटेस्ट वहां पे बच्चे इतने दिनों से लगे हुए हैं, काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों का साथ देने के लिए आपको जरूर जाना होगा। और कल मैं भी वहां आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ रहा हूं दोस्तों। ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टा के आपको क्रांतिकारी बन के नहीं रह जाना है, धरातल पे आपको उतरना होगा, जरूर आपको धरना स्थल पर पहुंचना होगा। कल एक दिन का समय निकाल लीजिए बच्चों, मुझे पता है आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, कोई बच्चा नौकरी भी कर रहा होगा, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा, तो बच्चे एक दिन का आप समय ले लीजिए, सोमवार का दिन है, एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, अपने लिए आप इतना कर सकते हैं। जो इतने दिनों से वहां पे बच्चे बैठे हुए, क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? अरे नहीं, वो सबके लिए कर रहे हैं, आप सभी के लिए कर रहे हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है दोस्त, आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आपको भी वहां पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में लोगों को दिखाना होगा, तभी सरकार के कान पर जू रहेगी, वरना सरकार कुछ नहीं करने वाली। भाई लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, यूं ही आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, ये भर्ती यूं ही रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ दोस्त, कल वहां पहुंच जाइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए दोस्तों। इन 32,000 वैकेंसी को आप पूरा करा लीजिए, क्योंकि कल धरना स्थल पर पहुंच जाइए, भारी से भारी संख्या जब भीड़ वहां पर दिखेगी, तो सरकार को ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा काम। क्योंकि अगर 32,000 वैकेंसी ग्रुप सी की क्लियर हो जाती है, तो आप यकीन मानिए जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, जो एक्चुअल में ग्रुप डी में लगना चाहते हैं, उन बच्चों का नंबर आ जाएगा। अगर ग्रुप सी की वैकेंसी पहले हो जाती है, तो ग्रुप डी के आप अपनी नौकरी पक्की समझिए। जो ऑन द फेंस बैठे हैं बच्चे, जो बाउंड्री लाइन पे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे इस वीडियो को, बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि भारी से भारी संख्या में आपके दोस्त, आपके साथी, आपके रिलेटिव्स, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, जो अपने हक में लड़ाई लड़ना चाह रहे हों दोस्त, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर पंचकुला सेक्टर 5 जरूर पहुंचे। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेशक ग्रुप डी का प्रोविजनल रिजल्ट कब आ जाए, लेकिन अगर 1 महीना वेट किया है, 2 महीने हम और वेट कर सकते हैं। अगर ग्रुप सी की वैकेंसी पहले हो जाती है, तो ग्रुप डी में जो एक्चुअल बच्चे हैं उनका नंबर सही से आएगा, वरना आप देख लीजिएगा 8,000 से 9,000 बच्चे ऐसे आपको मिलने वाले हैं कि जिन्होंने ग्रुप सी का भी क्वालिफाई कर रखा, और वही ग्रुप डी में आपको जॉब लेने वाले हैं, आपका नंबर वहां से कट हो जाएगा। अगर ग्रुप सी की वैकेंसी पहले हो जाती है, तो 5 से 6 नंबर का आपका जो कट ऑफ है ना, उसमें डाउन आ जाएगी ग्रुप डी में। ये आपके ऊपर है दोस्त, इसमें केवल ये नहीं है कि ग्रुप सी वालों के लिए भी है, ग्रुप डी वालों के लिए भी है। तो जो जो बच्चे हैं, और टीजीटी भर्ती का भी मेन मुद्दा है बच्चों, उसमें कुछ नहीं होना है, केवल उसको क्लियर ही तो करना है, लेकिन सरकार उसको भी क्लियर नहीं कर रही है। तो सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, भारी से भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा जितना होगा, स्टूडेंट का जमावड़ा जितना होगा, सरकार की उतनी आंखें खुलेंगी, उतना ज्यादा प्रेशर सरकार पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्त, भारत में वोट बैंक की राजनीति है, और इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन आने वाले हैं। अगर अब काम हो गया तो हो गया, वरना आगे आप ताकते रहना, देखते रहना, समय यूं ही निकल जाएगा। ये लास्ट चांस है आपके पास, क्योंकि 19 दिसंबर को फिर हियरिंग होने वाली है, तो उसमें आपको चांस मिल सकता है, और 9 ग्रुपों की जो होने वाला है पेपर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर आपको विश्वसनीय, सटीक और सही जानकारी विश्लेषण के साथ आपको देखने को मिलती है। तो मैं विदा लेते हुए आपसे यही कहूँगा, प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में 4 दिसंबर को आप धरना स्थल पंचकुला जरूर पहुँचें। ओके, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ओके, जय हिंद, जय भारत।